और उसके लिए हमने एक वीडियो भी देखा था, अगर आपको याद हो, वेयर द डॉग एंड अ बर्ड वॉज देयर इन द बोट, राइट? एंड डॉग व्हेन इट सॉ कि जो बर्ड के जो लिटिल बर्डलिंग्स हैं, चिकलिंग्स हैं जो, दे वर नॉट ईटिंग द फिशेस, सो व्हाट द डॉग डिड, ही ऑफर्ड द वर्म्स. यू रिमेम्बर द स्टोरी वी हैड सीन? यस पीपल. एंड देन द बर्ड कम्स एंड टेक्स अवे द वर्म्स, एंड इन रिटर्न सिंस इट वॉज थैंकफुल टू द डॉग फॉर हेल्पिंग हिम फीडिंग द चिल्ड्रन, सो इट गेव फिशेस बैक. डू यू रिमेम्बर द स्टोरी वी हैड सीन? से यस और नो, आपको याद है हमने ये स्टोरी देखी? ओके, राइट. यस मैम. फिर हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जब डॉग ने हेल्प किया था बर्ड का, तो वो किसी पर्पस से किया था कि मेरे लिए बर्ड कुछ करेगा इसलिए उसने हेल्प किया था, या उसने दिल से हेल्प किया था बिकॉज वो हेल्प करना चाहता था. यस मैम, उसने दिल से हेल्प की थी क्योंकि राइट. वो करना चाहता था. और जो बर्ड था उसने उसका एक्शन एक्नॉलेज किया ना कि डॉग ने मेरे लिए कुछ किया है. ही वॉज थैंकफुल टू द डॉग, सो ही ऑल्सो इन रिटर्न हेल्प द डॉग. हाउ? बाय गिविंग द फिशेस. यू रिमेम्बर दिस, राइट? सो दिस इज ग्रेटिट्यूड. इसमें हमने टू चीजें देखी थी, वन थैंक्स, बीइंग थैंकफुल, राइट, फॉर व्हाट यू हैव, फॉर एनीवन हु इज डूइंग समथिंग फॉर यू, सो बीइंग थैंकफुल फॉर इट, एंड सेकेंडली हेल्पिंग पीपल आउट because you want to genuinely help them, so that's a random act of kindness, right? ये discussion हमने किया था, random act of kindness का, and thank you का, if you remember. मैम हम उतने आए नहीं होंगे क्योंकि मैम हमने वो देखी नहीं वीडियो. Sorry. मैम हम आए नहीं होंगे उस क्लास में मैम क्योंकि वो हमने देखी नहीं वीडियो. Because it is three classes from now. So you'll have to check yourself, okay? उसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो देखा था, wherein we saw a class and the children had to draw what they are thankful for. और उसमें एक बच्चे ने एक हैंड बनाया था, you remember? और मैंने आपसे पूछा था कि ये हैंड किसका होगा, हम गेस कर रहे थे, और eventually वो हैंड टीचर का था. Do you remember? When I had asked you to write as a homework what you are thankful for to your teachers, sirf wo padhate nahi hai, there are lot many things. So has any one of you done that work? Has any one of you written what you are thankful for to your teachers? Aryan, you're raising hand to say something. Okay, please unmute. मैम हमने आपको तो उसी क्लास में दिखा दिया था मैम लिख के. बेटे टीचर्स वाला उस टाइम नहीं हुआ था, वो मैंने होमवर्क दिया था आपको. उस टाइम जो आपने लिखा हुआ थैंकफुल फॉर इन द डे, फिर टीचर्स वाला आपको होमवर्क मिला था. हैज एनीवन ऑफ यू रिटन बाय द वे? से यस और नो. Okay, type in the direct message to me. If you have done it, write yes. If you have not done it, type N. Okay. So it's no, no, no. Okay. Tell me one thing. How will you feel if I give you a project to work on? Okay? और आप बहुत मेहनत उस पर करो और मैं आपको कोई रिमार्क नहीं दू, मैं कुछ भी नहीं लिखू, वो अच्छा है क्या आपकी मेहनत पे, आई डोंट गिव यू एनी रिवॉर्ड फॉर इट, हाउ विल यू फील? बैड. व्हाई? बैड. व्हाई? मैम क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी और मैम उन्होंने जरा भी नहीं. अमेजिंग. You'll feel amazing if I don't give you a remark. Ma'am, लेकिन हमने कोशिश जरूर की.
आपने कोशिश जरूर की बट मैंने आपकी कोशिश के लिए आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उससे एक्नॉलेज भी नहीं किया कि आपने कुछ किया। फील होगा बैड नहीं होना चाहिए ना मैम। सैड सैड क्यों, सैड क्यों मैम? क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी और मैम ने कुछ मार्क्स ही नहीं दिए। हाँ देखा, और जब हमारी मैम हमारे पे इतनी मेहनत करती है उनके लिए हम एक थैंक यू के लिए एक लाइन भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ मैम क्या लिखना है? आईज जॉइंट नाउ। मैम को बुरा लगने देते हैं, कोई बात नहीं है, मैम का तो काम है हमें पढ़ाना। नहीं मैम क्या लिखना है? अर्षिता प्लीज वेट। मैम थैंक यू। बताओ बताओ। What we were discussing, Harshita, is that I had given the homework in the class that write for the teachers why you are thankful to them. Yes, ma'am. Right. I'm not sad. So people have not done it. So I was asking कि अगर मैं आपके work को acknowledge नहीं करूं, आपकी मेहनत को consider नहीं करूं, तो आपको कैसा लगेगा? They said bad. So I said when you don't thank your teachers for what they are doing, how will your teachers feel? And so now people are thinking how the teachers will feel. Yes. So when, see, it's about, it's not ki unka kaam hai padhana. It's about the choice. They have made a choice to teach. Okay. So think about it. If your one statement to your teacher that, ma'am, I'm really thankful to you for helping me become what I am today, it will make a difference to them, which you may not understand. It's not about ki main kitni lines ma'am ke liye thank you ke liye likh rahi hu. It's about how the teacher has touched you. It can just be one statement. Do you ma'am, you have to extend your feelings. You have to extend your gratitude. That's why you are thankful to me. And imagine ये task आपको दो बार मिल चुका है और हमने अभी तक नहीं करा। This shows that we don't pay attention to what our teachers are doing for us. हमने PDA का ही notebook बनवाई है। No, there is no specific notebook, but it's your choice if you want to make one. पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके सो पीपल सोचो क्या हम ठीक करेंगे बाय नॉट थैंकिंग आवर टीचर्स? वी वर सो क्विक इन राइटिंग व्हाट मम्मा डज, वी वर सो क्विक इन राइटिंग व्हाट पापा डज। हैव यू एवर पेड अटेंशन टू वन थिंग दैट व्हेन योर मैम इज टेकिंग अ क्लास एंड इफ शी हैज अ चाइल्ड, शी इज नॉट विद हर चाइल्ड टू टीच, योर पेरेंट्स सिट विद यू, शी इज नॉट सिटिंग। व्हाई? बिकॉज़ शी हैज मेड अ चॉइस टू टीच यू ऑल। Have you ever thought about it? So how many of you will promise me that you will write and you will share it with your mom? And I want a genuine promise, please. Okay, Avni. No, Avni, you have raised it or no? Yes, you've done. Okay. Okay, Krisha says, I promise. So write it. Express your gratitude for your teachers as well. It's not about kitna likhte hua, it's about kya likhte hua. It can be just one line. Okay? But it should come from your heart directly because it will help you in building further strong bond with your teachers. And it will also bring smile on their face. Now, do you think it's important for your teachers to smile? आपको उन्हें खुश करना चाहिए क्यों? ताकि मार्क्स ज्यादा मिले? No, it's because
when you give smile to somebody, it comes back to you also. तो आपने नोटिस क्या होगा, अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो, किसी को आप थोड़ा सा हंसाने के लिए कुछ करते हो, तो आप खुद भी हंसते हो ना? Yes or no? So smile is coming back to you. Yes, ma'am. Surely, yes, if you will make your teacher smile, you will also feel that happiness within you. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Start following it. Start thanking everyone in your life. Gratitude topic beta sirf padhne ke liye nahi hai. It is to experience. Hum karte hain hamesha. Follow nahi karoge, use experience nahi karoge na, aapko samajh nahi aayega why it's important. You have to follow it. So anything, any small thing. The other day, one of the childs was sharing with me, ma'am, the other day I was about to fall and I was saved. And I quickly ran to the temple and I said, thank you to the God. Right? So you become more aware that how much blessed you are. How many blessings you have in your life. So it's something to practice. And if you will not practice, you will not get anything out of it. So start doing it. Okay? Start doing it for yourself. For no, not for anyone else. Do it for yourself. Because hamara theme kya hai? What makes me happy? So gratitude will definitely bring happiness to you. Okay? Right. Now we move on to the second part of it today. The second part of it is act of kindness, helping somebody. So now I want you to think. I'll give you time for 5 minutes. Aap baith ke socho and likho ki aap kisi ki help kaise kar sakte. So think of 3 things only, right? And write it. Get a sheet of paper and write how you can help somebody because you genuinely want to help. आप दिल से उसकी मदद करना चाहते हो, किसी अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहते या कुछ इन रिटर्न नहीं चाहते. Okay? So be ready with your sheets. Quickly, I'll count to the 10 and then you begin writing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Please start writing. It's 1:49, 1:55 we'll wind up. So you have 6 minutes. Okay. Ma'am, can I tell? Sorry? Ma'am, can I tell? You don't have to tell me. You just have to write. I'll tell you what you have to do next with it. Okay, so Krisha, Abiral, and Abni have written they would like to thank their teachers, right? Just think how you can help anyone and just write 3 things.
Krishna, you've written? Show me thumbs up. Or you may unmute. Yes, you have to write three. Kanik, you want to say something? Okay, you've done. Yes, ma'am. Yeah, please say. Okay. Feeding food to children, feeding birds, helping persons. Okay. Helping person how? Specify. Ma'am, in corona days, मैंने और मम्मी ने मैम कई जगह जाकर मैम और गरीब बच्चों को मैम खाना खिलाया मैम उन्हें जो क्लोथ की जरूरत है तो उनको क्लोथ प्रोवाइड किया. I'm saying helping people आपने लिखा है how वो लिखो. I may help in a certain way, you may help in a certain way. तो आप क्या कर सकते हो वो लिखो specifically. Okay ma'am. Okay. Yeah. Krishna, unmute if you want to say something. No? Okay. Aditya, Namita, Vansh, Dolce, Mohammed, Arham, Malik, Ananya, Daksh, Eman, I think. Brinda, Rishabh, Harshita, please turn on your videos. Okay, Malik is there, Vrinda is there. Fine. Have you all written? Just show me a thumbs up if you all have written. Three things. Rachi, are you writing for this work or are you doing something else? Please unmute. Mama, I have done. Raji, please unmute. Directly unmute. You don't need a prompt from me. What are you writing, dear? Huh? No, ma'am. Kuch. Kuch nahi likh rahe aap. You are writing since the point I'm giving instructions and you were not doing my work. Sorry, ma'am. Bye, ma'am. You don't have to be sorry to me. You know why? Because you were doing it for yourself. So I think you should be sorry to yourself first. Yes, ma'am. Yeah. So please quickly now do the work that's being given. There is no point sitting here like that. No, we're not seeking anything. Okay. Yes, Aviral. Ma'am, हमने 3 points लिख लिए. आप मुझे नहीं बताइए आप अपने तक रखिए वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए आप ये नहीं लिखेंगे आई विल हेल्प आप एग्जैक्टली लिखेंगे आप कैसे हेल्प करेंगे ठीक है नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज आपने ये जो 3 points हैं ये इन जनरल किसी की आप हेल्प कैसे करोगे ये लिखा है या स्पेसिफिकली लिखा है कि कैसे मैं मम्मा की करूंगा कैसे पापा की करूंगा या कैसे सिबलिंग की करूंगा या करूंगी ओके तो अगर आपने जनरल लिखा है फॉर समबडी राइट एस इन द चैट बॉक्स और अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखा है तो टाइप पी इन द चैट बॉक्स ओके यस नमिता मैम जो आपने लिखने को कहा था मैम वो बताऊं नहीं आपने बताना नहीं है आपने चैट में मुझे ये बताना है कि आपने बहुत जनरल सबके लिए लिखा है कि कैसे कर सकते हो आप हेल्प या फिर आपने स्पेसिफिक पीपल के लिए लिखा है तो पी फॉर पर्टिकुलर लिखे लाइक कृष्णा अविराल आर्यन हैज रिटन जनरल ओके फॉर एस 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 आर्यन सेज पर्टिकुलर ओके कृष्णा एंड अविराल उस एस संबन आर्यन आई हैव गॉट योर मैसेज और अगर बोथ है तो आप बी टाइप कर दीजिएगा इफ इट्स बोथ फॉर समवन एंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन देन यू टाइप बी व्हाट अबाउट अदर्स व्हाट अबाउट ऋषभ हर्षिता या अमान दक्ष योर वीडियोस आर आल्सो ऑफ एंड आई डोंट सी यू इन द चैट एज वेल मालिक हैज रिटन पी ओके आर्यन हैज रिटन पी पर्टिकुलर पर्सन
Vrinda, I don't see any response. Navya, I don't see any response. Mohammed Arham, I don't see any response. Neither the video is on. Prachi, I'm still waiting. Quickly write down. Namita says general. Okay. Okay. Now what you will do is, till our next class, आपने जिसके लिए भी लिखा है आप कैसे हेल्प करोगे, आप ये फॉलो करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा है तो आप उनके उनकी आप ऐसे हेल्प करोगे. अगर आपने इन जनरल लिखा है तो आप हेल्प करोगे. एंड टिल आवर नेक्स्ट क्लास यू विल डू दिस. अगर आपको इसमें ऐड करना है आप और कैसे हेल्प कर सकते हो, यू आर फ्री टू ऐड, इट्स योर चॉइस. देन यू विल शेयर विद मी कि जब आप सबकी हेल्प कर रहे थे तो आपको अंदर से कैसा फील हुआ और जिसकी आपने हेल्प करी उसको कैसा फील. So what you will share with me in the next class is how did you feel and how did others take it or how did others react to it. Okay, is the task clear? Because the way you will help will be different from the way I will help somebody. Hum sab alag hai, hum sab ek dusre ke alag tarike se help karenge, right? So you will follow it. Gratitude is about practicing. तो आप 1 week के लिए फॉलो करोगे हमारे नेक्स्ट क्लास तक. एंड देन यू विल टेल मी कि जब आपने हेल्प किया, जो आपने लिखा है उस तरीके से जब आपने किया तो आपको कैसा लगा. ओके, एंड नेक्स्ट जिनकी आपने हेल्प करी वो कैसे आपके साथ रिएक्ट किए या उनको कैसा लगा या उनको कुछ कहा, आप वो शेयर करोगे, ठीक है? विल यू ऑल डू दिस easy task? Yes, ma'am. You have to follow what you do. Yes, ma'am. So this is our one task. Now today we move on to a new topic under happiness. हमने अब तक contentment cover किया है, हमने gratitude cover कर लिया है. Okay, now today we move on. Karthik, please mute yourself. Of what makes me happy. So I'll share a story with you. And you will tell me what did you learn from it. Okay? Now, we all have seen a horse. Why will you admire horse? Aap horse ko admire kyun karoge? Please raise your hand to answer. Aap horse ko kyun admire karoge? Ya kis cheez ke liye appreciate karoge usse? For what qualities? In a horse. Horse has any qualities according to you? Ma'am, yes. Okay, Aryan, share. Ma'am, वो भाग सकते हैं तेज. Okay. Sense of balance. Yes, इतना load, मतलब people का load carry करके they are moving. Okay. So balancing, running. मैम हमें अच्छा नहीं लगता. मैम हमें बहुत बुरा feel होता है जब मैम को घोड़ों को बाबा मारते रहते हैं. मैम बहुत गंदा लगता है. Right. वो मारते क्यों हैं? क्योंकि जिससे वो तेज भाग सके. तेज भाग सके या उनका अगर चलने का मन नहीं है तो जबरदस्ती उन्हें वो काम करना पड़ता है जो उन्हें नहीं करना. Yes. It's against their will. So do you see that they are tolerant? वो सहन करते हैं. Yes or no? मैम अगर वो कभी ढंग से काम भी नहीं करते तो मैम हमने स्टोरीज में देखा है कभी कुछ मारे तो उन्हें खाना भी नहीं देते. Right, very true. So if I see for horse, of course they have tolerance, they have patience. मैम एनिमल्स को बहुत कुछ सहना पड़ता है. मैम हम जब वहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैम डॉग्स को मैम कितनी चोट लगी हुई होती है बाहर के. वेरी ट्रू. हमें बहुत बुरा फील होता है. वेरी ट्रू. मैम कितनी बर्ड्स मरी हुई नीचे मिलती है. हम डॉग्स भी कर देते हैं. दैट्स ट्रू.
But that's how things work. Because we have made it that way, which is bad. Okay. So we were discussing about the qualities. Let's come back to the qualities. So of course, tolerance hota hai, patience hota hai, kitne hardworking hote hai wo, right? And they know their strength, that they can run fast. They have a good sense of balancing, because climbing up and down the hill is not easy task with the load, right? हम जब खुद अगर ट्रैक करते हैं हमारे लिए सोचे डिफिकल्ट है तो वो तो लोड लेकर ट्रैक कर रहे हैं तो उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट होगा राइट सो गुड सेंस ऑफ बैलेंसिंग एंड मूवमेंट फॉर दैट मैटर एंड ऑल्सो द ब्यूटी वी ऑल नो हॉर्सेज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्यूटी राइट नाउ व्हाट हैपेंड इज वंस द हॉर्स हैड ऑल दीज क्वालिटीज बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ Every day he used to think, no, I can be more beautiful. No, I'm not at all beautiful. Yes, ma'am. Then one day... Ma'am, kabhi kabhi to ma'am horse ke upar itna sara bhari saman bhi rakh dete hain. Right. Then one day, God appeared. And God asked him that humans praise you a lot. They admire your beauty. They admire your strength. Why you are not happy? He says, I think that I am not that ways the way I could be. God says, okay, what do you think is less in you? Horse says, I think I can be more beautiful if my body is a bit more proportionate. Agar meri back thodi si aur rise ho jaye. God says, okay, what else? And I think if I have a long, then he says that, and what about if I have long and very thin legs? So I look more beautiful. God says, are you sure? And horse says, yes. God says, okay, then I grant you the will that you will have a long neck, you will have a proportionate high raised back, and you will have long legs. And horse is very happy that, wow, God is listening to my wishes. Then God says, so you are now what you want. And the horse becomes the captain. And the moment he sees himself, he's shocked. He says, God, I said you, I want to look more beautiful. What have you made me? Camel, I don't look beautiful at all. Being horse, I was far more beautiful. The God says, but this is what you wanted. You only said me that you want long, proportion is raised back. So camel has a high back, right? Then you said you want a long neck. So I gave you the long neck. Camel has a long neck. Giraffe also has long neck, but giraffe does not have a raised proportionate back. Then long thin legs. Now giraffe has long legs, but long thin legs are more for camel. So of course you will become a camel now. He says, no, God, no, I don't want to become a camel. I want to be horse only. He said, but this is what you wanted. I said, no, God, I've understood. I am a horse. You have made me with a lot of thought. You have made me horse to be horse. How can I become camel? I've understood my mistake. I know I am my own self. And this is what is best about me. God says, okay. But here you have to remember one thing. Camel may not look beautiful like you. But camel also has its own qualities. It also tolerates things. It is very hardworking. And it can also go without food and water for many days. It may not be beautiful like you, but it has its own qualities. And to this horse says, yes, God, I understand that you have made each one of us with certain qualities and we should be happy with what I am, what I have got as a person, what makes me as a person myself. So what did you learn from this story? Anyone who wants to share, what did you learn from this story? Okay. Sabriya, please unmute. Ma'am. Yeah.
गॉड ने हमें बनाया है हमें वो ही एक्सेप्ट करना चाहिए. राइट, हमें जैसे गॉड ने हमें बनाया है हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए. वेरी ट्रू. एनीवन एल्स? आर्यन? मैं दूसरों की नहीं देखनी चाहिए कि वो इतनी सुंदर है और मैं इतनी बेकार हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए. वेरी ट्रू, बिकॉज इट्स नॉट योर आउटर ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी दैट मेक्स यू. राइट? यस मैम. यस राइट. ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? कार्तिक, यू वांट टू शेयर समथिंग? I can see. Yes, Kartik. Kartik, you want to share something and share? It's okay. No, ma'am. Aditya, you want to share something? मैम, भगवान ने हमें जैसा ही बनाया है लेकिन पढ़ने के लिए बनाया है, बड़े होके पढ़ना, कुछ जॉब के देना. राइट, गॉड हैज मेड अस विद सम पर्पस. आई वोंट से प्राची सिर्फ पढ़ना, क्योंकि हमें नहीं पता अभी और क्या पर्पस है हमारे पढ़ने का, है ना. सो कैन आई यूज द वर्ड पर्पस देन? That God has created me for a purpose. तो अगर मैं अपने आप में कमियां निकालती रहूं, अगर मैं बोलूं नहीं मुझे ऐसा बनना है, नहीं मुझे उसके जैसा बनना है, so do you think कि रितिका कहीं पे रहेगी जिसको God ने बनाया है? क्योंकि उन्होंने हर किसी को, जैसे प्राची ने कहा, किसी पर्पस के लिए बनाया है. राइट? तो अगर मैं किसी को कॉपी करती रहूंगी तो मैं अपना पर्पस तो कभी फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगी. राइट? यस मैम. राइट. यस मैम. The second person like me also will not exist anywhere because I am the only piece created. So same is your case. So Prachi is the only Prachi. Abni is the only Prachi. Not Prachi, sorry, Abni. हमें जो गॉड ने दिया है बेटा वो कंटेंटमेंट में आ जाता है. हमें गॉड ने जैसा बनाया है एज अ पर्सन हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए. इट्स अ लिटिल डिफरेंस हियर. ठीक है, हम यहाँ पर अपने क्वालिटीज की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई एम गुड इन पेंटिंग, ओके, एंड माय फ्रेंड इज गुड इन लेट्स से बास्केटबॉल, तो मैं अपने आप को क्यों, क्या मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि वो बास्केटबॉल में अच्छी है और मैं नहीं हूँ? नो, बिकॉज मेरी क्वालिटी तो पेंटिंग है ना. yes, ma'am, हर इंसान के पास अलग प्रतियोगिता होती है. राइट, सो ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट क्वालिटी. A painter, I can be a writer, you can be a sports person, and you can also be a creative person, hai na? To yes, hamari I'm an actor and dancer. But hamare jaisa exactly koi nahi hoga. Right? So we should be happy the way we are. However, if I want to improve myself, that's different. Okay? अपने आप को इम्प्रूव करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना अलग चीज है. क्यों? क्योंकि आप अपने पे वर्क करना चाहते हैं. बट अगर आप किसी से कंपेयर कर अपने आप को चेंज कर रहे हो वो रॉन्ग है. ओके, राइट? यस. सो देयर इज अ डिफरेंस हियर. व्हेन आई से इम्प्रूविंग, आई वांट टू इम्प्रूव मायसेल्फ बिकॉज आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मायसेल्फ. But if I am improving myself or working on myself because I want to become better than XYZ person, that's wrong. Okay? So comparing yourself with the other person and changing yourself is wrong. But working on yourself so that you become better and better in things, that's something that you have to look for. Okay? So are we clear about our today's task, which is be happy with what you are? Right? So please get a paper for yourself. I'll share the screen. Just write for yourself. सोचो कि क्या क्या qualities है जो आपको unique बनाती है, जो हर्षिता को हर्षिता बनाती है, आदित्य को आदित्य बनाती है, अवनी को अवनी बनाती है,
या फिर मौलिक को मौलिक बनाती है. ओके, सो थिंक फॉर दोज क्वालिटीज एंड राइट देम डाउन. आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू. जस्ट गेट अ पेपर फॉर योरसेल्फ एंड कलर्स. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्वालिटी लिखा क्रिएटिव, तो मैं वहां कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकती हूँ टू शो द क्रिएटिवनेस. या मैंने लिखा राइटर एज अ क्वालिटी, तो मैं वहां पेन और पेपर ड्रॉ कर सकती हूँ. ओके, सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ. Okay, so this is what you have to make for yourself. I am happy to be myself. और आपने अपनी qualities लिखनी है arrows के आगे, और आप pictures भी उनकी represent कर सकते हो. So you can choose from qualities like hardworking, creative, sensitive, supportive, listener, reader, writer, creative, imaginative, visualizer, reflector. Have you made the basic outline? I'll just share the another screen. You can refer to the qualities like creative, confident, focused, caring, goal-oriented, happy, honest, sensitive, does not give up, eager to learn, open-minded, imaginative, hopeful, calm, striving, hardworking, fair, loyal, forgiving, passionate, positive, kind, funny, leader, patient, curious, spiritual, humble, supportive, dependable. आप इनमें से भी ले सकते हैं या कोई और क्वालिटी भी ले सकते हैं. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया द क्वालिटीज दैट यू कैन लुक एट. Sorry, Prachi, did you say something? Ma'am, caring. Okay. Ma'am, happy. Add it in what you have written. Arrows ke aage likhte jao. Okay, you can look at this. Ma'am, likh liya maine bhi. Okay. Main bataun. Yeah. Ma'am, humne bhi likh liya. Dancing, acting, creative, talkative, love dancing, funny, singing, caring, focus, eager to learn, love to singing, acting and dancing, adventurous. Okay. Nice.
So you are happy to be yourself? Yes, ma'am. And what did you learn from about this activity? आपने क्या सीखा इस activity से? मैम कि हमें हमारे अंदर जो quality है हमें उनसे ही खुश रहना चाहिए, दूसरों की quality से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए कि इसके अंदर तो एक quality हमारे अंदर ही हमें भी यही रखनी चाहिए, अपनी एक quality हमें वही करनी चाहिए. Okay. And how do you feel after writing your qualities? I'm happy. You feel happy. Okay. मैम मेरे को सिंगिंग बहुत पसंद है. मैम मैं आपको एक सिंग करके दिखाऊं सॉन्ग. ओके. फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई मस्ट से ऑल द वॉन्सेस ऑफ माय हार्ट आई एम फार अप एंड टायर्ड ऑफ द वे दैट थिंग हैव बी ओ द वे दैट थिंग हैव बी ओ सेकंड थिंग सेकंड डोंट यू टेल मी व्हाट यू थिंक दैट आई कैन बी आई एम द वन एट द सेल आई एम द मास्टर ऑफ माय सीईओ Oh, the master of my CEO. Oh, I was broken from a sticking myself into the masses. I'm like, oh, yeah, for the future took me, sweetly from heartache, from brain. Take up my message from the brain, seek my lesson from the brain, sing the beauty to the pain. You made me a believer. Pain. You break me down, you burn me a believer. Mom, that's nice. And you were pretty confident in singing, by the way. Thank you, ma'am. You're welcome. Ma'am, I captured you. Okay. Okay, Aryan, you wanted to share? You've done? Ma'am, humne likha hai hard working, drawing, caring, kind, acting, positive, confident, honest, happy, funny. Okay. So how do you feel, Aryan, after writing it? I'm graceful. You feel graceful. Are you happy to write about yourself? Ma'am, yes. Ma'am, bhi batai. Yeah, please share. Happy, healthful. Okay. Positive, does not give up, and confident. Okay. And how do you feel after writing it? I am safe. Just a second, Prachi. आपने कैसा लग रहा है अपने qualities लिखने के बाद? Ma'am, अच्छा. I'm good. अच्छा. क्योंकि हमें अपने जो भगवान ने हमें दिया है मैम, जैसे हमें क्वालिटी दी है इतनी सारी, उसमें ही खुश रहना चाहिए, दूसरों की क्वालिटी को नहीं कंपेयर करना चाहिए अपनी क्वालिटी. ऑलराइट. ओके. यस प्राची. मैम केयरिंग, हैप्पी, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. ओके. एंड यू वर शेयरिंग यू लाइक्ड एंड यू वर हैप्पी आफ्टर राइटिंग अबाउट इट, राइट? Okay. Yes, Abhya, you may unmute. Yes, ma'am. Ma'am, fair, forgiving, kind, and funny. So how do you feel? How do you feel about yourself after writing it? Ma'am, very grateful and positive. Great. So I just want to know one thing. जब तक हमने ये एक्टिविटी नहीं किया था, कभी आपने अपनी क्वालिटीज पे ध्यान दिया था कि आपने क्या क्वालिटीज हैं? मैम नो. नो. सो डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो आवर क्वालिटीज, टू अप्रिशिएट देम आल्सो? मैम यस. तो वो कैसे पता करेंगे, अपने आप को कंपेयर करके या अपने आप को समझ के? मैम अपने आप को समझ के. Great. So today was the first step of you becoming aware of yourself by writing your qualities to know what makes you you. Okay. We'll meet again in the next class. Have a wonderful day. Enjoy your Dashera break. And remember your homework. Your homework is? What's your homework? Write a note on teachers. There were two homeworks. What's the second homework?
मैम हमें अपनी क्वालिटी लिखनी है. नो वो तो लिख लिया अभी. नो मैम हमें इसके जो हम हेल्प करेंगे इसके बारे में कि मैम वो हम क्या सोचेंगे हेल्प करने हेल्प करेंगे उस वक्त और मैम वो दूसरा क्या सोचेंगे और हमें कैसा लगेगा. राइट सो प्रैक्टिस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस ओके एंड देन यू शेयर योर फीलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट. राइट वी ऑल विल डू इट. यस मैम. Then see you all. Have a wonderful day and enjoy your Dashera break. Okay? Bye-bye. Bye, ma'am. Ma'am, have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye. Bye-bye. Bye.